नहीं बोलते कहाँ वाला गिफ्ट करके हम कहीं की है ना। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज जो है कि आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है और आज दिन भर जो है कि बादल छाया रहा। तो हम लोग इस समय हैं पुल पर जो कि बगल में है, इधर नदी और इधर भी है नदी। तो हम लोग इस नदी के पुल पर जो कि पीछे दिख रहा है पुल, तो हम लोग इस पे कर रहे हैं आज पेंटिंग, जो कि हम लोग कल का बैकग्राउंड लगाए थे। तो आज जो है कि हम लोग उसको लिख रहे हैं। तो आज हम लोग दिन भर लिखाई किए, 2-3 घंटा अभी बज रहा है 4। तो हम लोग आज इस पुल पे जो है कि पेंट करके लिख देंगे शाम तक। तो लगभग में 1-1.5 घंटा लगेगा लिखने में, शाम नहीं होगा। तो फिलहाल में हम लोग अभी पुल पर लिख रहे हैं। चला तो दोस्तों यहाँ पुल जो है कि बहुत ही सकरा है, हम लोगों को लिखने में हो रही है काफ़ी दिक्कत, क्योंकि गाड़ी घोड़ा जो है कि आ रहा है जितने भी गाड़ी, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है हम लोगों के लिए। तो फिलहाल में हम लोग देख देख करके धीरे धीरे कर रहे हैं काम। तो दोस्तों आज लगा हुआ है पेठिया, जो कि बगल में बोले तो बाजार जो सब्जी उब्जी लेने का, इधर पेठिया ही बोलते हैं। तो इसी पुल से लोगों का ज़्यादातर आना जाना हो रहा है और इधर से लोग भी आ रहे हैं जो कि पीछे इस साइड से, तो इधर से लोग भी काफ़ी आ रहे हैं और इस साइड से भी। तो ये पुल जो है कि बहुत कम में है, तो कभी कभी बड़ी गाड़ी जो फोर व्हीलर भी आ जा रही हैं, तो हम लोगों को दिक्कत हो रहा है, जो कि पुल ये चौड़ाई बहुत ही कम है तो हो रही है दिक्कत। हम लोग किसी तरह जो है कि इस पेंटिंग को कर रहे हैं, जो कि हम सोच रहे हैं कि कितना जल्दी जल्दी हो जाए कि हम लोग निकल जाएं। तो ज़्यादा समय नहीं, हम लोग लगभग में 1.5 घंटा 20 मिनट में पूरा यहाँ से वहाँ तक लिख देंगे। फिलहाल अभी होने वाला है शाम भी, जो कि इधर से सूरज ढलेगा, तो अभी बादल की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए रूम पर, और रूम पर हम लोग आज जा रहे हैं बनाने खाना। तो खाना में हम लोग आज बनाने वाले हैं मुर्गे का मीट। तो हम लोग मुर्गा जो है कि वहीं से खरीद लिए थे, जो कि हम लोग पेठिया गए थे वहां से ही हम लोग मुर्गा खरीद करके लाए हैं। तो फिलहाल में हम लोग अब उसको बनाने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। तो ये रहा मुर्गे का मीट, जो कि हम लोग धो करके अच्छी तरह से साफ कर लिए हैं, और इधर हम लोग गैस पे भगोने को चढ़ा करके उसमें तेल डाले हैं, और जीरा अभी हम लोग इसमें डालने वाले हैं। तो थोड़ा गर्म हो जाने के बाद इसमें थोड़ा सा जो है जीरा को हम लोग डालेंगे। तो देखिए ये हथेली पे अपने रखे हैं जीरा, और इस जीरे को हम लोग इस तेल में डालने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर तेल हम लोगों का हो गया गर्म, और इसमें अब हम लोग डाल देते हैं। और साथ में थोड़ा सा तेज पत्ता भी इसमें देते हैं डाल। फिर इसमें सूखा मिर्चा, हरा मिर्चा दोनों देते हैं डाल। डालने के बाद इसमें लहसुन भी डाल देते हैं, जिससे कि सब अच्छी तरह से भुना जाए। तो लहसुन डालने के बाद इसमें डालते हैं हम लोग प्याज। तो प्याज डालने से पहले इसको थोड़ा सा गैस को मध्यम कर लें, जिससे कि आस्ते आस्ते जलेगा तो ठीक है, नहीं तो एक बैग आँच लगेगा तो ज़्यादा जल्दी जल जाएगा। और इसमें हम लोग थोड़ा सा 2-3 पीस लहसुन डाल दिए हैं, जो कि खड़ा है, और इसमें फिर हम लोग डालते हैं प्याज। तो प्याज डालने के बाद हम लोग आदी को बाद में डालेंगे, इसलिए आदी को नहीं डालेंगे क्योंकि ये पकड़ लेता है। तो फिलहाल में हम लोग पहले इसको भूनने के बाद तब आदी डालेंगे। तो दोस्तों हम लोग जो है कि अभी लहसुन प्याज जो भी कुछ मिर्चा वर्चा था, तो हम लोग तेल में भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा डालते हैं नमक।
नमक डालेंगे तो जो है कि थोड़ा जल्दी से गल जाएगा प्याज लहसुन जो भी है। तो दोस्तों फिलहाल जो है कि हम लोग अपने मेथड से जो है कि बनाते हैं अपने तरीके से। तो अभी मसाला भून जाने के बाद हम लोग इसमें डालने वाले हैं मटर, जो कि इस समय मटर का सीजन चल रहा है तो हम लोगों के पास अभी मटर पर्याप्त है। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा मटर भी देते हैं डालने के बाद इसको छोड़ देंगे, कुछ समय तक भून जाएगा। तो इसमें हम लोग अब मुर्गे का मीट डालेंगे। तो मुर्गे का मीट डालने के बाद मसाला वसाला सब कंप्लीट करने के बाद इसको ढक देते हैं, जब हो जाएगा तो हम लोग करेंगे खाना शुरू। तो फिलहाल दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे हम आपसे हम अपने नए ब्लॉग वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। Oh, oh, oh.